दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी न्यू यूट्यूबर या ओल्ड यूट्यूबर वीडियो डालता है यूट्यूब के ऊपर, उसका यही मिशन होता है कि जैसे ही हमने वीडियो अपलोड की है वो वीडियो वायरल हो जाए और बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग में चली जाए, जिसके लिए वो बेहतरीन एसईओ करता है, टाइटल करता है, थंबनेल बनाता है। और यहाँ पे हम बात करें एक्स्ट्रा टूल्स की, तो दो ऐसे टूल्स हैं जिनकी एक यूट्यूबर मदद लेता है और कीवर्ड सर्च करता है, जिसमें से सबसे पहले का नाम है vidIQ और दूसरे का नाम है TubeBuddy। बट यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ कि ये दोनों सॉफ्टवेयर को अगर कंबाइन कर दिया जाए फिर भी इतना अच्छा एक सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता जितना अच्छा सॉफ्टवेयर यानी कि जितनी अच्छी अपडेट YouTube ने अपने YT स्टूडियो में दे दी है। तो आज हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि YT स्टूडियो में कौन सी ऐसी अपडेट है जिसको हम फॉलो करते हैं तो आज के बाद हमारी की गई हर वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी और वायरल हो जाएगी। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस फीचर को समझने से पहले, इस अपडेट को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फीचर से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं इस फीचर्स की मदद से। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको कीवर्ड सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके जो टॉपिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने होंगे, आपने जस्ट उन टॉपिक्स को पकड़ना है, वन बाय वन आपने वीडियो बनाते जाना है और जो भी आप वीडियो बनाएंगे वो आपकी ऑडियंस के रिलेटेड होगी और जैसे ही आप अपलोड करेंगे वो वीडियो वायरल हो जाएगी। सबसे पहले आपकी यूट्यूब की ऑडियंस देखेगी, उसके बाद फॉर यू में वीडियो चलेगी, रिकमेंडेशन में चलेगी, यूट्यूब सर्च में चलेगी, ब्राउजर्स में चलेगी और बहुत सारी और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलेगी अगर आपका कंटेंट जो है वो अच्छा है और साथ में आप फॉलो करते हैं यूट्यूब की इस अपडेट को। तो प्रैक्टिकली समझाऊंगा इस अपडेट के बारे में, आए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल मेरे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है और वहां पे आपको मेरा चैनल यानी कि YT स्टूडियो में नजर आ रहा है। इसकी मुकम्मल डिटेल जानने के बाद आप भी अपने चैनल के यानी कि YT स्टूडियो में जाके इस अपडेट को चेकआउट कर सकते हैं, इस अपडेट से फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, YT स्टूडियो में नीचे आपको 5 बटन मिलते हैं जिसमें से सेंटर में जो आता है एनालिटिक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है रिसर्च का। जैसे कि मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस में बताया था कि यूट्यूब में भी आपको AI का सिस्टम जो है वो मिलेगा आने वाले दिनों में, तो आज के वक्त में आप AI को यूज कर सकते हैं यूट्यूब YT स्टूडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप सर्चेज आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मेरे पास ये ऑप्शंस आए हैं तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आपके कंटेंट के रिलेटेड कौन कौन पर्सन यानी कि आपकी ऑडियंस या आपके फॉर यू में जो पर्सन्स हैं आपकी सिटी के आसपास, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस वहां पे आपके कंटेंट के रिलेटेड कौन सी वीडियोस देखी जा रही है, तो आपको तमाम जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इसके रिलेटेड वीडियोज बनाएं, अपने कॉन्टेंट बनाए जिसकी आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। AI की मदद से YT स्टूडियो में आपको ये पॉसिबिलिटी मिलती है आज के टाइम में कि आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स जो कि YT स्टूडियो में आपके लिए बना के रखे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं। पुराने वक्तों में ये होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्च करते होते थे, हम भी सर्च करते हैं अपने टाइम में, कि हमें कंटेंट जो है नेक्स्ट वीडियो का वो सर्च करना पड़ता था, रिसर्च करनी पड़ती थी, उसके बाद ही जाके हम फाइनली एक वीडियो स्क्रिप्ट के बाद तैयार करते हैं। बट यहाँ पे आज के वक्त में आपके पास ऑटोमेटिकली जो कंटेंट भी आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड वीडियोस भी आ रही है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो रेलिवेंट वीडियोस जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। आप किसी भी वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं, उसके बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं, एडिट और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस है उनके रिलेटेड ही कंटेंट है और वो इस कंटेंट को लाजमी देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको रेलेवेंट वीडियोस तो वो दिखाता है और ये भी साथ में दिखाता है कि कौन सी टॉप वीडियो है और कौन सी लो वीडियो है, यानी कि आपको उसका वॉल्यूम भी चेकआउट करवा रहा है ताकि आपका कॉन्टेंट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अब यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग वीडियोज की बात तो होगी, तो अगर आप चाहते हैं शॉर्ट वीडियोज तो शॉर्ट वीडियोज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट वीडियोज आ जाएंगी उस कीवर्ड्स के रिलेटेड जो आपने सेलेक्टेड किया था सर्च में से। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, टिप्स और ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोज डेली बेस के ऊपर अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।